इंटरनेशनल मूवी फाइनेंस, पॉलिटिक्स और बैंकिंग बिजनेस में करप्शन से रिलेटेड है। मूवी में मेन रोल लुई सेलिंगर का है, जो इंटरपोल का एजेंट है। वो थॉमस शूमर के साथ काम करता है। जब सेलिंगर देख रहा होता है, शूमर क्लेमेंट की कार में आंद्रे क्लेमेंट से मिलता है। क्लेमेंट ने शूमर को एक डील के बारे में बताया, जहां अंतर्राष्ट्रीय बैंकर चीनियों से मिसाइलें खरीदेंगे। सुरक्षा को लेकर शूमर ने क्लेमेंट से कहा कि सबूत बैंक में छोड़ देना सही होगा। क्लेमेंट इस बात से अग्री नहीं है। शूमर कार से बाहर निकलता है, सड़क पार करके सेलिंगर की ओर जाता है, फिर उल्टी होने से गिर जाता है। सेलिंगर उसकी हेल्प के लिए दौड़ता है, लेकिन एक वैन ने उसे टक्कर मार दी। हॉस्पिटल में सेलिंगर ने ट्रीटमेंट से इनकार कर दिया। शूमर ने बॉडी चेकअप करने की डिमांड की। ऐसा लगता है कि ये दिल का दौरा है, लेकिन सेलिंगर बेहतर जानता है। शूमर ने मरने से ठीक पहले न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एलेनोर विटमैन को फोन किया था। एम्स विटमैन शूमर तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। उसे सेलिंगर से पता चला कि वह मर चुका है। सेलिंगर ने उसे जांच में मदद के लिए बलिन बुलाया। विटमैन सेलिंगर के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, ताकि उन्हें यकीन हो सके कि शूमर की हत्या कर दी गई है। वे बताते हैं कि इंटरपोल ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों की जाँच की है, जो जारी है। न्यूयॉर्क इसमें शामिल है, क्योंकि वे कई लेन देन न्यूयॉर्क के माध्यम से करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि बैंक के खिलाफ सभी गवाहों की हत्या कर दी गई है या वो गायब हैं। फिर भी पुलिस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। सेलिंगर इंटरपोल वापस चला जाता है। उसे पता चला कि क्लेमेंट की मृत्यु उसी दिन हुई थी जिस दिन शूमर की कार एक्सीडेंट से मृत्यु हुई थी। जोनास कार्सन, जो इंटरनेशनल बैंकरों को चलाता है, एक्सीडेंट के दिन क्लेमेंट के लोकेशन के बारे में पुलिस को गलत स्टेटमेंट देता है। सेलिंगर ने स्कारसेन का झूठ पकड़ने के लिए उसके साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में स्कारसेन ने खुद सेलिंगर से बात करने के बजाय अपने वकील मार्टिन वाइट का यूज किया। वाइट ने पुलिस रिपोर्ट में की गई गलती को सही करे कई पुलिस रिपोर्ट दिखाई। स्कारसेन ने पुलिस को कुछ झूठा स्टेटमेंट देने के आरोप से अपना बचाव किया। सेलिंगर अपने बॉस से मिलता है। सेलिंगर को पता चलता है कि उसका फोन और उसके बॉस का फोन दोनों चोरी हो गए हैं। विटमैन की मुलाकात क्लेमेंट की विधवा बीवी से होती है। उससे विटमैन को अम्बर्टो कैल्विनी से बात करने का क्लू मिलता है, जो इटली के प्रधानमंत्री के पास जा रहा है। इससे पहले कैल्विनी एक वेपन्स बनाने वाली कंपनी के सीईओ थे। विटमैन कैल्विनी से बात करने के लिए सेलिंगर के साथ इटली जाता है। कैल्विनी ने आसानी से एक्सेप्ट किया कि इंटरनेशनल बैंकरों ने दूसरों को प्रॉफिट पर बेचने के लिए चीन से मिसाइलें खरीदी। कैल्विनी ने उन्हें चेतावनी दी कि इंटरनेशनल बैंकर बहुत पावरफुल हैं, बेहतर होगा कि वे उन पर कब्जा करने की कोशिश न करें, जब तक कि वे अपनी जान न गंवाना चाहें। कैल्विनी भाषण देने जाती है। एक हत्यारे ने उसे गोली मार दी। पहली गोली चली और चूक गई। दूसरी गोली से उसकी मौत हो जाती है। एक पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को मार देता है जिसने पहले गोली मारी थी, और उसी पुलिस ऑफिसर द्वारा अब मारे गए शूटर को दूसरी गोली से कनेक्ट के लिए क्लू मिला जाते हैं, जो उसने गोली नहीं चलाई थी। वह हत्यारा जिसने दूसरी गोली चलाई, जिससे वास्तव में कैल्विनी की मौत हो गई, भाग जाता है। सेलिंगर और विटमैन उसका पीछा करते हुए न्यूयॉर्क वापस आ जाते हैं। सेलिंगर हत्यारे को ढूंढता है। गुगनहाइम म्यूजियम में बहुत ज्यादा गोलीबारी हुई है। हत्यारा सेलिंगर को गोली लगने से बचाता है। सेलिंगर और हत्यारा दोनों अब निशाने पर हैं। वे भागने के लिए टीम बनाते हैं, लेकिन उनके भाग जाने के बाद हत्यारा सेलिंगर को ये कहते हुए मर जाता है कि वे उसे कभी जिंदा नहीं रहने देंगे। सेलिंगर की मुलाकात वेक्सलर से होती है, जिसने हत्यारे को काम पर रखा था। वेक्सलर ने उन्हें बताया कि इंटरनेशनल बैंकर सब कुछ कंट्रोल करते हैं, पुलिस, सरकार और जो कोई भी उनके बीच में आकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसे हटा देते हैं। इंटरनेशनल बैंकरों को नीचे लाने का एकमात्र तरीका कानूनी व्यवस्था से बाहर होना है। सेलिंगर वेक्सलर को उसकी मदद करने के लिए मजबूर करता है। वे स्कारसन का सामना करने के लिए इस्तांबुल जाते हैं। जबकि सेलिंगर स्कारसन एविडेंस पाने की कोशिश कर रहा है, वेक्सलर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद सेलिंगर स्कारसन को मारने के लिए उसका पीछा करता है। जब वह स्कारसन को पकड़ता है, तो स्कारसन उस पर हंसते हुए कहता है कि वो उसे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। सेलिंगर उससे कहता है, ये वो नहीं है जो वो चाहता है। स्कारसन ने उससे कहा कि भले ही वो मारा भी जाए, उससे तुरंत वापस लाया जाएगा। जबकि सेलिंगर स्कारसन को मारने के बारे में सोच रहा है, स्कारसन को उसी व्यक्ति ने गोली मार दी है जिसने वेक्सलर को मार डाला था। ये हत्यारा अपने इटालियन बॉस कैल्विनी की मौत का बदला लेने के लिए किया था। फिर भी स्कारसन की हत्या के बाद इंटरनेशनल बैंक चालू है, जैसा कि स्कारसन ने कहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। एक ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर और न्यूयॉर्क जिला अटॉर्नी दुनिया के सबसे बड़े करप्ट बैंक को गिराने की कोशिश करते हैं।
इंटरनेशनल बैंक ऑफ बिजनेस एंड क्रेडिट, जिसे IBBC के नाम से जाना जाता है, एक खतरनाक रूप से करप्ट बैंक है। वे टेररिस्ट सरकार को गिराने का काम करती है, इंटरनेशनल वेपन्स का बिजनेस, क्रिमिनल्स जिन्हें मनी लॉन्डरिंग की नीड होती है, और कई अन्य लोगों की हेल्प करते हैं। दो लोग उन्हें नीचे लाने के लिए इम्पोर्टेंट एविडेंस ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, लुई सेलिंगर, एक परेशान इंटरपोल एजेंट, और एलेनोर विटमैन, एक न्यूयॉर्क जिला अटॉर्नी। वे इटली पहुंचते हैं जब प्रधानमंत्री पद के एक उम्मीदवार की हत्या कर दी जाती है, उम्मीदवार के हत्यारे की हत्या कर दी जाती है, और करप्ट दिखने वाली पुलिस उन्हें शहर छोड़ने के लिए मजबूर करती है। उन्हें असली हत्यारे का क्लू मिल जाता है और वे न्यूयॉर्क तक उसका पीछा करते हैं। वे गुगनहाइम म्यूजियम में हत्यारे से मिलते हैं। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वे हत्यारे से बैंक के खिलाफ एविडेंस रिकॉर्ड करा सकें, उन पर हर तरफ से गोलियों की बौछार हो रही है, क्योंकि बैंक ने उन सभी को बाहर निकालने के लिए हथियारों का एक छोटा सा ग्रुप भेजा है। जब बैंक के एक कर्मचारी वेक्सलर को पूछताछ के लिए लाया जाता है, तो सेलिंगर को बताया जाता है कि कानून द्वारा इस बैंक को गिराने का कोई तरीका नहीं है, उनकी पहुंच बहुत बड़ी है, और अगर वे इसे गिरा भी देते हैं तो भी और इतने सारे बैंक इसकी जगह ले रहे हैं कि यह एक बेकार कोशिश है। उन्हें नीचे लाने का एकमात्र तरीका कानून से बाहर निकलना और उन सभी को मार डालना है। चूंकि सेलिंगर सतर्क स्ट्रैटेजी का सहारा लेने को तैयार नहीं है, इसलिए उसे उम्मीद करनी चाहिए कि वेक्सलर की मदद से वह कुछ भी हासिल कर सकता है, जिसे वह कोर्ट में IBBC के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है।